हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से एक बार और एक न्यू क्यू एंड ए वीडियो में। तो आज का वीडियो में हम क्वेश्चंस जो हमारे ऑडियंस की तरफ से आए हैं, उन्होंने कहा है प्रभु जी आपके इतने सारे सब्सक्राइबर्स हो गए, इतने सारे फैमिली हो गए हमारी, तभी भी आपने एक क्यू एंड ए वीडियो नहीं बनाया, तो एक क्यू एंड ए वीडियो बनाइए। तो हमने कहा ठीक है, तो सभी ने क्वेश्चंस भेजे हैं और कई क्वेश्चंस इंस्टाग्राम से आए, कई क्वेश्चंस यूट्यूब से आए हैं और कई क्वेश्चंस हमारे फ्रेंड्स ने ही पूछे हैं। तो चलिए उनका जवाब देते हैं, ट्राई करूँगा कि आप सभी के हर एक क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ। वैसे तो बहुत क्वेश्चंस आए थे, तभी भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस चुने हैं। एंड आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पर 8,000 सब्सक्राइबर्स तथा 13 लाख प्लस व्यूज़ कम्प्लीट करा दिया है। इसी तरह आप सभी का आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से भी यही निवेदन करेंगे, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, आप सभी पर बनाए रखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जिनके क्वेश्चंस नहीं लिए उनको सॉरी, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए थे तो फिर उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है प्रभु जी आप कहाँ पर रहते हैं, तो फिर मैं रहता हूँ मुंबई में, मुंबई में विक्रोली में रहता हूँ मैं। ये है पहले क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, सेकंड है, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम, आई लाइक योर वीडियोज एंड शॉर्ट्स विच यू अपलोड, थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियोस, हमारे शॉर्ट्स देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है रोहिणी देवी की तरफ से, प्रभु जी टेल योर बेस्ट फ्रेंड नेम इन योर स्कूल। अभी वैसे तो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर हम कुछ अच्छे और अच्छे बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताऊँगा। जैसे एक है मेरे फ्रेंड प्रियांशु, अंश, नैतिक, और भी है गौरव, सुजल, और मेरे ये कुछ हो गए मेरे एकदम बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो मैं हर वक्त हेल्प करते हैं, ऐसे सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और फोर्थ क्वेश्चन है हरिप्रिया की तरफ से, हरिप्रिया, उन्होंने अपना नाम हरिप्रिया लिखा है, उन्होंने पूछा है फेवरेट फूड और फेवरेट भजन। तो अभी देखिए मेरा एकदम फेवरेट भजन है मेरी लगी श्याम संकीर्त, जो कि हमारे सनातन संकीर्तन चैनल है, वो हमारे प्रभु जी हैं, शिवम प्रभु जी, प्रभु जी उनको जानता तो नहीं हूँ मैं, पर उनके भजन हमें बहुत ही प्रिय हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं उनके भजन। और मेरा फेवरेट फूड तो पिज्ज़ा है, ये पिज्ज़ा है हमारे जो इस्कॉन में गोविंदास का गोविंदास रेस्टोरेंट है उसमें होटल में पिज़्ज़ा मिलता है, वो मेरा फेवरेट है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन आता है यश के तरफ से, वो यश प्रभु जी पूछते हैं फेवरेट कीर्तन्या एंड लेक्चरर। तो फेवरेट कीर्तन्या हमारे माधव नायडू प्रभु, हमारे माधव नायडू प्रभु को एकदम उनके कीर्तन मुझे बहुत ही प्रिय लगते हैं, जब वो किसी टेंपल में जाते हैं और कीर्तन करते हैं, तो मैंने उनका कीर्तन स्पेशली फर्स्ट टाइम इस्कॉन चौपाटी में सुना था, तो वो मुझे बहुत प्रिय है वो कीर्तन्या, और माधवास भी, और माधवास रॉक बैंड भी, उसके बाद फिर सनातन संकीर्तन भी, ये तीनों मेरे फेवरेट कीर्तन्यास हैं। और फेवरेट लेक्चर तो श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी हमारे फेवरेट लेक्चर, जिनके लेक्चर्स मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, कभी कभी रह जाता है पर प्रतिदिन उनके लेक्चर सुनता हूँ, मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और अमोंग लीला प्रभु जी, अमरेंद्र दास प्रभु जी, ये सब हमारे फेवरेट लेक्चरर हैं जिनका कथा सुनना मेरे को बहुत ही प्रिय है। और फिर छठवां क्वेश्चन आता है शिवानी जी की तरफ से, शिवानी गुप्ता जी की तरफ से, अभी तक की जर्नी में आपने क्या सीखा YouTube से। तो देखिए हमने YouTube से एक ही चीज़ सीखी है कि आप YouTube बना रहे हैं तो आपका कोई एक एम होना चाहिए, जैसे मेरा एम है स्प्रेडिंग द कल्चर, हमारे कल्चर, इंडियन कल्चर को, हमारे सनातन धर्म को स्प्रेड करना। जितने वीडियोस आप डालेंगे लोग देखेंगे, लोग समझेंगे, कुछ ना कुछ तो उनमें बदलाव आना स्टार्ट हो सकता है, तो आपका एक प्रयास भी बहुत ही मूल्यवान है। तो फिर इसलिए मेरा एम था कि हमें
अपने कल्चर स्प्रेड करना है, अच्छे अच्छे वीडियोस डालूंगा, जैसे कि बीच में मैं मृदंगा वीडियोस डालता था, तो फिर मेरे को बाद में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो इसलिए मैं फिर वो डालना बंद कर दिया। अभी श्योर हो फिर वो भी डालूंगा, जैसे कि वो एक एम होना चाहिए आपका, और आपको आपके पास पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस जरूर होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने भी 2-3 महीने वीडियो डाला था स्टार्टिंग में, तो मैं बोला कि अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैंने सोचा तो फिर हम बंद कर देते, तो फिर मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया था। फिर मैंने ये मई में स्टार्ट किया, एकदम अच्छे से वीडियोस डालने लगा, अच्छे से वीडियोस बनाने लगा, व्लॉग्स बनाने लगा, शॉर्ट्स अपलोड करने लगा, तो फिर तभी भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। फिर ठीक है, मैंने बोला ठीक है, हमें और वीडियोस डालना है, और जितने लोग देखेंगे उन लोगों को तो लाभ होगा। तो फिर डालते गए, आज कृष्ण की कृपा से, आप सभी का आशीर्वाद की कृपा से हम इतने अच्छी जर्नी में हैं। तो शिवानी गुप्ता जी, आपसे आपके आपके क्वेश्चन का उत्तर इतना ही दे सकता हूँ कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, और आपको पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार पेशेंस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अभिषेक गुप्ता, हाउ मैनी राउंड्स यू चैंट ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र? तो प्रभु जी, अभिषेक प्रभु जी, मैं कम से कम हर रोज तो 6-7 माला कर ही लेता हूँ, और एकादशी के दिन 16 राउंड्स कर लेता हूँ, कभी कभी रह जाता है, क्या करें, हमारा भी स्टडीज वगैरह चलता है, तो फिर इतने राउंड्स में करता हूँ हरे कृष्ण महामंत्र के। थैंक यू प्रभु जी। हैव यू एवर रीड भगवद गीता? तो ये क्वेश्चन आया है हरे कृष्ण दास, उन्होंने अपना नाम ऐसा रखा है, एक्चुअली उनका नाम क्या होगा मुझे पता नहीं, पर उन्होंने ऐसे नाम रखा था अपना, तो वो क्वेश्चन मैंने लिया है। हैव यू एवर रीड भगवद गीता? हाँ, मैंने भगवद गीता पढ़ी है, 2-3 बार पढ़ी है, उसके बाद दो दो कोर्स भी किए हैं, एक श्रीमान राधे श्याम प्रभु जी के द्वारा किया गया कोर्स है, और एक हरे कृष्ण टीवी के द्वारा किया गया कोर्स है। ये देखिए, आपको इधर पे दोनों सर्टिफिकेट आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो आप सभी से निवेदन है, ये गीता जयंती का महीना चल रहा है, गीता मैराथन का महीना चल रहा है, इस्कॉन में इसे गीता मैराथन का महीना से मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, लाखों करोड़ों पुस्तकें वितरित होती हैं। तो इस महीने में आप सभी से निवेदन है, डेली भगवद गीता का 1-2 श्लोक पढ़िए सुबह उठ के, आप सभी से निवेदन है, और भगवद गीता को पढ़िए, क्योंकि वही जैसे मोबाइल है ना, मोबाइल को चलाने का मैनुअल होता है, अगर कोई न्यू मोबाइल आ रहा है तो वैसे ही इस मनुष्य जीवन को चलाने का मैनुअल है श्रीमद् भगवद गीता। तो आप सभी से प्रार्थना करता हूँ, भगवद गीता रीड कीजिए, चैंटिंग कीजिए, और हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए सुखी जीवन बिताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंस्टाग्राम से आकर्षा जी से, फर्स्ट डिवोटी फ्रेंड। तो अभी मैं उतना डिवोटी फ्रेंड नहीं है मेरे, तभी भी आप हैं जो मेरे क्लोज एकदम फर्स्ट डिवोटी फ्रेंड है आकर्षा जी, धन्यवाद। फेवरेट प्लेस, अक्षय कृष्ण दास प्रभु जी ने ये क्वेश्चन पूछा है। एक भक्त का एक फेवरेट प्लेस और क्या हो सकता है, वृंदावन धाम। मेरा बहुत ही फेवरेट प्लेस है वृंदावन धाम, जो कि मैं 2 ही बार गया हूँ, पर मुझे बहुत आनंद मिला है, बहुत ही प्रसन्नता हुई है, उधर का वातावरण, उधर की रज अप्रतिम, सच में मुझे वृंदावन बहुत ही प्रिय है प्रभु जी। थैंक यू, आपने इस क्वेश्चन पूछा, मुझे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा। ये है सुजल गोगावले जी के तरफ से एक क्वेश्चन है, हाउ यू फील आफ्टर 8K सब्सक्राइबर्स? तो प्रभु जी, सुजल प्रभु जी, मैं आपसे इतना ही निवेदन, इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं 8,000 सब्सक्राइबर्स के बाद ये फील कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ तक सोचा नहीं था कि मैं कभी पहुँच सकता हूँ। तभी भी आप सबकी कृपा से, आप ऑडियंस की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, आज हम 8,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच चुके हैं। आगे ही हम और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहें और ऐसे ही जर्नी करते रहेंगे। तो मेरी फीलिंग यही है कि बस आप सभी का कृतज्ञ हूँ मैं, आप सभी का आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखिए प्रभु जी, धन्यवाद, हरे कृष्ण प्रभु जी। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रियांशु वर्मा जी की तरफ से, आप इस्कॉन के कौन से टेंपल में जाते हैं उत्सव प्रभु जी? तो प्रियांशु वर्मा जी,
हम इस्कॉन के टेम्पल में जाते हैं, मैं मुंबई से हूँ जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, तो हम इस्कॉन चौपाटी में जाते हैं। पहले तो हम बहुत जाते थे, अभी स्टडीज़ के चक्कर में कभी कभी महीने में 2-3 बार जाते हैं, वरना पहले तो हम जाते थे एवरी संडे। और इस्कॉन चौपाटी में मैं जाता हूँ इजली, एक्चुअली मतलब हमारा उधर पे ही जाना होता है, कभी कभी हम जुहू के टेम्पल में चले जा सकते हैं, पर मैं इस्कॉन चौपाटी ही जाता हूँ ज़्यादातर। धन्यवाद प्रभु जी। उसके बाद एक जिनने मैसेज लिखा है, उनका नाम है रमेश चंद्र जी, उन्होंने कहा है, हरे कृष्णा, नो क्वेश्चंस, बट इतना ही कहना चाहूँगा कि आप यूथ हैं और आप इतनी सी उम्र में इतना अच्छा वीडियोस बना रहे हैं, इतनी स्पिरिचुअल कंटेंट बना रहे हैं, मुझे बहुत ही पसंद आया। तो आपका मैं आभार करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग भी बनाते हैं, पर मैंने आपको देखना स्टार्ट किया था जब आपने चैनल बनाया था, तो फिर मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आप आज 8,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँच चुके हैं। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आगे बढ़िए। धन्यवाद प्रभु जी, रमेश चंद्र प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए प्रार्थना किया। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखिए हमारे चैनल पे, हम पर, और कृपया कर हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए प्रभु जी। आपके इन शब्दों ने हमें बहुत ही प्रसन्नता दी है, एक्साइटमेंट दिया है कि हम और अच्छे से कार्य कर सकें। धन्यवाद प्रभु जी। आप कौन से क्लास में हैं? आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंस्टाग्राम से हमारे मित्र पार्थ चेस लवर जी ने पूछा है, इन्होंने अपने इंस्टाग्राम आईडी ऐसे रखी है, तो हमने वही आपको नाम बताया। उन्होंने पूछा है आप कौन से क्लास में हैं। ये क्वेश्चंस बहुत टाइम पूछा गया था, तो मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ कि मैं 9th क्लास में हूँ, इंग्लिश मीडियम से हूँ, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स मैथ्स है, और साइंस है, और इंग्लिश, ये तीनों हमारे प्रिय सब्जेक्ट हैं जो हमें बहुत पसंद आते हैं, हम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। और मेरा एक और बहुत ही प्रिय सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जो कि मुझे बहुत ही रोचक लगता है स्टडी करने में, बहुत ही आनंद आता है, सबसे ज़्यादा आनंद हमें हिस्ट्री पढ़ने में आता है। धन्यवाद पार्थ प्रभु जी। हाउ यू गेट आइडिया ऑफ मेकिंग यूट्यूब चैनल? भावेश जी, भावेश जी, हमको यूट्यूब चैनल खोलने का आइडिया कैसे मिला? क्योंकि हमने हमारे एक भ्राता हैं जिन्होंने फ्री फायर का चैनल खोला था उस समय, तो हमने सोचा कि हमें भी, उस समय हम ज़रा फ्री चलते थे, तो हमने सोचा कि हमें भी एक चैनल खोलना चाहिए और बहुत ही अच्छे कंटेंट डालने चाहिए, पर मैंने स्पिरिचुअल चैनल के बारे में ही सोचा था। तो फिर मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया इधर से, हमने सोचा कि लोग गेम का प्रचार कर रहे हैं, उनको गेमिंग का प्रचार करना है, हम हमारे भारतीय कल्चर का प्रचार करेंगे, जिस पे हमें बहुत गर्व है। धन्यवाद भावेश जी। आप, हु इज़ योर मोटिवेशनल फेवरेट स्पीकर? तो हमारे वन एंड ओनली मोटिवेशनल फेवरेट स्पीकर हैं श्रीमान गौर गोपाल प्रभु जी, जिनकी मैं वीडियोस प्रतिदिन देखता हूँ, और उनकी हर एक वीडियोस मुझे बहुत ही पसंद है। बहुत, मैं इतना आपसे कह नहीं सक मतलब कह पा रहा हूँ कि मेरे को बहुत ही आनंद हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि किसी ने पूछा आपके मोटिवेशनल फेवरेट स्पीकर कौन है, तो मेरे मोटिवेशनल फेवरेट स्पीकर हैं श्रीमान गौर गोपाल प्रभु जी, जिनकी लाइफ अमेजिंग सीक्रेट मुझे बहुत ही पसंद आई, तब से मैं उनकी वीडियोस देखने लगा। उनकी हिंदी वीडियोस तो और ही मुझे बहुत पसंद है, इंग्लिश वीडियो के साथ साथ उनके हर एक फिलोसॉफी कोट्स मुझे बहुत ही पसंद है। गौर गोपाल प्रभु जी को मेरा प्रणाम, और आपने इतना अच्छा क्वेश्चंस पूछा राघव जी, मुझे बहुत ही पसंद आया, धन्यवाद। एट वॉट एज यू स्टार्ट यूट्यूब चैनल? मीरा जी, हमारे फ्रेंड इंस्टाग्राम से इन्होंने क्वेश्चन किया है कि आपने कौन सी उम्र में अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया? तो मैंने यूट्यूब चैनल, आई थिंक 13 एज था उस समय मेरा, 13 का 14 एज था, तो मैंने उस समय यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज हम इधर पे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका एम क्या है प्रभु जी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का? क्या पैसा अर्न करना? देखिए, मैंने पहले ही सोचा था कि हमें
पैसा पहले बात तो मेरे को पता नहीं था पहले कि यूट्यूब से पैसा भी मिलता है। फिर बाद में हमारे कुछ भ्राताओं ने रिलेटिव्स ने बताया कि ऐसे पैसे मिलते हैं, तब जब मेरे 200 सब्सक्राइबर्स थे तभी भी। उसके बाद भी हमने क्या किया, पर जब मेरा एम एक ही था, किसी ने मेरे भ्राता ने स्टार्ट किया गेमिंग चैनल, तो हम अपना कल्चरल चैनल स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छे से चलाएंगे। तो फिर मेरा एक ही एम था, स्प्रेडिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी कल्चर, यही बस मेरा एम था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी, उत्सव प्रभु जी, आपको कौन सा बुक पढ़ना पसंद है? ऑब्वियसली श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, एंड वन ऑफ माई फेवरेट बुक इज लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट, एंड एक मेरी फेवरेट बुक आ रही है, एनर्जाइज योर माइंड। तो आप सभी से निवेदन है, जरूर पढ़िए एनर्जाइज योर माइंड। श्रीमान गौर गोपाल प्रभु जी ने इसी बुक को लिखा है, अवश्य ही ये बुक बहुत ही आगे जाएगी और लोग इसको पढ़ के बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो आज के Q&A वीडियो में इतना ही, बहुत ही लंबा हो गया Q&A वीडियो, तभी भी हमने सोचा हम सब क्या Q&A क्वेश्चंस लेंगे, तो हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस नहीं लिए, कम से कम 20 क्वेश्चंस लिए होंगे और बहुत लोगों के क्वेश्चंस रह गए हैं। प्रभु जी क्षमा करिएगा, माता जी जिसके भी क्वेश्चंस रह गए हैं प्लीज़ आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि अभी इतना लंबा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू, आपने हमारी Q&A वीडियो देखी, जाके फटाक से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं शेयर करिए, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल पे 8,000 सब्सक्राइबर्स, 13 लाख प्लस व्यूज कंप्लीट करा दिए। इसी प्रकार आप सभी का आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। हरे कृष्ण हरि बोल, धन्यवाद।